कुछ हद तक मान रहे हैं जी, बाकी 70% लोग ऐसे हैं जो कि जिनके कान पे जूं तक नहीं रहेंगे। मंडी में उसी कदर भीड़ हो रही है, लोगों को जितना समझा रहे हैं एक दिन समझ जाते हैं, अगले दिन फिर वापस वैसी ही भीड़ हो जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज। हनुमानगढ़ जंक्शन में कोरोना बचाव के लिए प्रशासन के क्या है प्रबंध, आपका चार बिंदुओं के माध्यम से समझाना चाहेंगे। पहला बिंदु यही है कि आपदा प्रबंधन के कर्मचारियों के पास कोरोना बचाव के नहीं है साधन। कलेक्टर कार्यालय ने मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स व अन्य जो सुविधाएं दी जानी चाहिए वह नहीं दे पाए हैं प्रशासन, जबकि बजट उपलब्ध है पर आपदा प्रबंधन के कर्मचारियों के पास नहीं है ऐसे कोई साधन जिससे वे स्वयं और लोगों का बचाव कर सकें। जब आपदा रोकने वाले कर्मचारियों के पास ही साधन नहीं होंगे तो क्या लोगों को राहत प्रदान कर पाएंगे, यह है सबसे बड़ा सवाल। प्रातः 6 बजे से 8 बजे तक सब्जी मंडी में रहती है भीड़, उस समय पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं है। आपदा प्रबंधन के कर्मचारियों के साथ व्यापारी और वहाँ पर सब्जी खरीदने आए लोग उलझते हैं, लोग क्योंकि उनके पास कार्रवाई करने का नहीं है कोई अधिकार, चालान काटने की पावर है पुलिस के पास। पुलिस कार्मिक बाजार में आते हैं प्रातः 9 बजे, तो कौन रोकेगा और कौन भीड़ को करेगा नियंत्रण, यह है सबसे बड़ा सवाल। आइए आपको सुनाते हैं कि आपदा प्रबंधन के कार्मिक का सुविधाओं के लिए क्या कहना है, क्या है उनकी पीड़ा, सुनिए। बचाव के लिए प्रशासन की तरफ से आपको क्या क्या साधन उपलब्ध कराए गए? प्रशासन की तरफ से तो सर हमें कोई साधन उपलब्ध नहीं है, हम खुद ही अपना मास्क और जो सैनिटाइजर अपना पर्सनल लेके आते हैं और वही यूज करते हैं, और कोई ऐसी सुविधा नहीं है अभी तक। प्रशासन की तरफ से कोई भी दिया आपको? नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं दिया जी, कोई सैनिटाइजर वगैरह ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, हम अपना खुद का लेके आते हैं। तो फिर मंडी में कैसे आप अवेयरनेस पाओ, आपके पास खुद के पास नहीं है, लोगों को आप सैनिटाइज भी करना चाहिए आपका जो आता है? सैनिटाइजर सर हमारे को यहाँ पे अगर दिया जाएगा तो हम करेंगे, हम अपना पर्सनल खुद का सैनिटाइजर तो रखते हैं हाथ सैनिटाइज करने के लिए, और लोगों को अवेयर करते रहते हैं भी थोड़ी दूरी रखो और ज़्यादा भीड़ भाड़ मत करो। दूसरा, आप समझाइश कर रहे हैं जैसे बाहर ज़्यादा आते हैं मंडी के अंदर जी, तो क्या आपकी लोग मान रहे हैं बात, क्या उलझते भी है पुलिस की व्यवस्था, यहाँ कुछ सुबह होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कुछ हद तक मान रहे हैं जी, बाकी 70% लोग ऐसे हैं जो कि जिनके कान पे जूं तक नहीं रहेंगे। मंडी में उसी कदर भीड़ हो रही है, लोगों को जितना समझा रहे हैं एक दिन समझ जाते हैं, अगले दिन फिर वापस वैसी ही भीड़ हो जाती है। हमारे को देख के कुछ लोग मास्क भी पहन लेते हैं, हमारे दूर होते ही वापस मास्क उतार देते हैं। तो यहाँ पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं है? बिल्कुल होनी चाहिए जी व्यवस्था, आते हैं पुलिस की गाड़ी आती है, राउंड लगा के जाते हैं, जब सब लोग फिर जाते हैं आपस में दूरी भी बना लेते हैं सब, और उनके जाते ही फिर वापस वैसी व्यवस्था बिगड़ जाती है। सुना आपने, आपदा प्रबंधन की टीम जो लोगों की सुरक्षा के लिए, लोगों की राहत के लिए लगाएगी, उनके पास कर्मचारियों के स्वयं के पास ही कोई ऐसे साधन नहीं है कोरोना से बचाव कर सकें, तो क्या हालात होंगे ये आपके सामने है। दूसरी ओर प्रशासन सब्जी मंडी में एक दुकान छोड़ एक दुकान को लगाने का फार्मूला भी नहीं लागू करवा पाई है, सभी दुकानें लगती हैं एक साथ, सब्जी मंडी दुकान दिखा रहे हैं प्रशासन को ठेंगा। ये आपके सामने तस्वीरें हैं सब्जी मंडी की, कोई भी दुकान एक छोड़कर एक नहीं लगी हुई, सभी दुकानें हैं खुली, प्रशासन को दिखा रहे हैं ठेंगा। जहाँ तक निजी वाहनों को बाजार से रोकने की बात है, राज्य सरकार ने निजी वाहनों पर लगाई थी रोक, पर सारा दिन निजी वाहन बाजार में लगा रहे हैं चक्कर, नहीं लग पा रहा है इन पर अंकुश, और चालान काटने के बावजूद भी नहीं मान रहे हैं लोग। प्रशासन को इस कार्य के प्रति और निजी वाहनों को रोकने के प्रति सख्त होने की आवश्यकता है, और चालान काटने के बावजूद भी नहीं रुक पा रहे हैं, पूरा दिन साधन इधर से उधर चक्कर लगा रहे हैं, बेवजह चक्कर लगा रहे हैं, बिना कारण घूम रहे हैं, और प्रशासन को आने वाले समय में वाहनों को सीज करने की कार्रवाई पर करना होगा अमल, तभी वाहन इस प्रकार जो आवाजाही हो रही है वह रुक सकती है, तभी कोरोना की गाइडलाइन जो पालना है, जो नियम बनाए हैं, कानून बनाए हैं, उसको रोकने के लिए प्रशासन को सख्त होना ही होगा। बिना कारण जो ठोस बिना कारण के इधर से उधर लगा रहे हैं चक्कर, उन पर अंकुश कब लगाएगा प्रशासन, ये है सबसे बड़ा सवाल।
चार सवाल आपके समक्ष रखे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन अपने स्तर से क्या इस चार बिंदुओं पर कोई कार्रवाई कर पाता है या फिर इसी प्रकार आंखें मूंद कर बैठा रहता है। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।